स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी ड्रीम जोन में। भारत में नई गाड़ियों के साथ ही पुरानी गाड़ियों का मार्केट भी बड़ा है। हम में से बहुत से लोग कभी न कभी पुरानी गाड़ी बेचते हैं या खरीदते भी हैं। पुरानी गाड़ी बेचते या खरीदते समय क्या कानूनी प्रक्रिया करनी चाहिए, यह हम में से बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं होगा। अगर हमने कुछ बातों पर ध्यान नहीं दिया तो हमें RTO के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। सरकार ने RC ट्रांसफर या ओनरशिप ट्रांसफर के संबंध में एक बड़ा ऐलान करते हुए मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव किए हैं। यह कौन सा फैसला है, हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं। साथ में गाड़ी की ओनरशिप ट्रांसफर की प्रक्रिया भी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इसलिए वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव किया है। अब वाहनों का ओनरशिप ट्रांसफर आसानी से हो सकता है। नए नियम में रजिस्ट्रेशन के समय वाहन मालिक को नॉमिनी का नाम भरने का ऑप्शन दिया जाएगा। नॉमिनी को बाद में ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए भी ऐड किया जा सकता है। इससे पहले तक गाड़ी के रजिस्टर्ड ओनर की मौत के बाद परिवार को 3 महीने के अंदर ओनरशिप ट्रांसफर करनी पड़ती थी। यह करने के लिए पहले RTO के चक्कर लगाने पड़ते थे। इस फैसले से उन वाहन मालिकों के परिवार को राहत मिल जाएगी जिनकी मौत हो चुकी है। रजिस्टर्ड ओनर के मृत्यु के बाद अब ओनरशिप का ट्रांसफर नॉमिनी के नाम हो जाएगा। नॉमिनी का जो एड्रेस है वहां के रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को अपने नाम पर रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल के जरिए जानकारी देनी होगी। अब जानते हैं कि वाहन के रेगुलर ओनरशिप ट्रांसफर की प्रोसेस क्या है। किसी भी वाहन को बेचने के 14 दिन के बाद उसकी RC ट्रांसफर होना अनिवार्य होता है। इसके लिए आपको आपके क्षेत्र के RTO में आवेदन देना होता है। इस आवेदन के साथ कुछ जरूरी कागजात भी लगते हैं, जिनमें RC की ओरिजिनल कॉपी भी मौजूद होती है। आपको फॉर्म 29 भरना होता है, जिसमें खरीदने वाले का पासपोर्ट साइज फोटो और बेचने वाले की साइन भी जरूरी होती है। यह फॉर्म आपको RTO की वेबसाइट पर मिल सकता है, वहां जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद फॉर्म 30 भरना होता है। इस फॉर्म पर खरीदने और बेचने वाले दोनों की साइन लगती है, साथ में इस पर दोनों के पासपोर्ट साइज फोटो भी होते हैं। इसके बाद आपको फॉर्म 28 भरना होता है, जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। अगर राज्य के भीतर ही एक शहर से दूसरे शहर में वाहन का ट्रांसफर किया जा रहा है तो इस फॉर्म को भरने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कुछ राज्य जैसे कि महाराष्ट्र में इस फॉर्म को भरना अनिवार्य कर दिया गया है। बाकी राज्यों में जब वाहन को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर किया जाता है तो फॉर्म 28 भरा जाता है। इस प्रोसेस में आप एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट, फोन का बिल, राशन कार्ड ऐसे किसी भी दस्तावेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इंश्योरेंस पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता होती है। ओनरशिप ट्रांसफर की फीस भी RTO में आपको भरनी पड़ती है, जो आमतौर पर 300 रुपए होती है। अगर आपने अपनी गाड़ी बेची है तो ओनरशिप ट्रांसफर जरूर करवा ले, क्योंकि अगर आपने ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किया तो उस गाड़ी का ओनर आप ही रहोगे और उस गाड़ी से संबंधित सारी कानूनी जिम्मेदारी आप पर रहेगी। आशा करता हूँ वाहन के ओनरशिप ट्रांसफर के बारे में सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। यह वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा। आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का फल होता है, इसलिए आज हम इस वीडियो को लाइक करने के लिए एम रखते हैं। लाइक का एम है 100 लाइक्स का, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। RTO और RTO मोबाइल से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्क्रीन पर आपको और कुछ वीडियोस दिख रहे होंगे, उन वीडियोस को भी जरूर से देखिएगा, क्योंकि वो वीडियोस भी काफी अच्छे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।